नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुना आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के चलते 155 लीटर अवैध शराब, 1000 लीटर महुआ और दो मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी बीसी चौहान ने बताया कि ग्राम बिलावावड़ी में पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई, जिसमें 155 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 1000 लीटर लाहन बरामद किया गया। आइए जानते हैं किस तरह की कार्रवाई की गई। करीब 155 लीटर हाथ भट्टी शराब और 1000 लीटर महुआ लाहन बरामद किया गया। महुआ लाहन की सैंपल लेकर के शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। दो मोटरसाइकिल भी शराब परिवहन करते हुए पकड़ी गई और दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, रघुराज सिंह और भैयालाल जाट को। दो अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। भागे हुए आरोपी हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई? फिर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और उनकी बाइक के नंबर के आधार पर उनको ट्रेस कर लिया जाएगा। और इस शराब एवं महुआ लाहन इन महान की कुल मिलाकर कीमत करीब 150,000 रुपये होती है। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।